अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टिचिंग के आइडियाज़, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं समर सीज़न के लिए, और बड़े अच्छे आपको यहाँ से स्टिचिंग के आइडियाज़ मिल सकते हैं, स्लीव्स के लिए, दामन के लिए, नेक लाइन के लिए, ट्राउजर्स के लिए, कैपरी के लिए, उसके अलावा दुपट्टों के लेसेस के लिए बड़े अच्छे आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। इससे पहले कि हम इन डिज़ाइंस के बारे में कोई और बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोज़ और भी देखना चाह रहे हैं तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। फ्रॉक्स के स्टाइल में भी डिज़ाइंस हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं टसल का यूज़ किया गया है डिज़ाइनिंग के लिए नेक लाइन पे भी, और अक्सर हम देखेंगे आगे चलकर आपको डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे जिनमें दामन पे भी और स्लीव्स पे भी टसल का यूज़ है। तो बड़े ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन हैं ये सारे के सारे, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। फ्रॉक्स के स्टाइल में है, शर्ट के स्टाइल में है, लॉन्ग शर्ट के स्टाइल में है, तो जैसा भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, आप उस डिज़ाइन को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और वैसे ही डिज़ाइनिंग आप खुद से कर सकते हैं। इस किस्म के ड्रेसेज आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बेहतरीन किस्म के ड्रेसेज, सारे के सारे जो ड्रेसेज हैं ये डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं, तो आपको ईजिली मिल सकते हैं ये ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से। तो बड़े ही प्यारे प्यारे से यहाँ से आपको स्टिचिंग के भी आइडियाज़ मिल सकते हैं, प्रिंट्स के भी आइडियाज़ मिल सकते हैं, यानी कि इस तरह के प्रिंट का आप ड्रेस फॉलो करें, इस तरह के प्रिंट का आप ड्रेस लें मार्केट से। इसके अलावा बेल्ट के स्टाइल में जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है ट्रेंड में, चाहे शॉर्ट शर्ट हो चाहे लॉन्ग शर्ट हो। शर्ट की जब स्टिचिंग की जाती है तो उसमें फिटिंग का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, फिटिंग नहीं की जाती, बल्कि बेल्ट के स्टाइल में फैब्रिक का यूज़ किया जाता है, तो बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। पीछे आपने कुछ डिज़ाइन देखे तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर फॉलो करें, इस ये चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो वही चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कि होती हैं उसको ट्रेंड में, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। पीछे वाला डिज़ाइन आपने देखा कैपरी का, उसमें बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना हुआ था, तो आप इस किस्म के डिज़ाइन फॉलो कर सकते हैं। इन डिज़ाइन पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और बड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। जैसा कि आपके सामने ये वाला डिज़ाइन है, इसमें भी यूज़ किया गया है, कट लगाया गया बिल्कुल ओपन के स्टाइल में, बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन गया, और इस डिज़ाइन को देखिए ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी स्टाइलिश है ये भी। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग की, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आप दूसरे फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग ज़रूर करें, चाहे आप नेक लाइन पे करें, चाहे स्लीव्स पे करें, दामन पे करें। जैसा कि आपके सामने ये वाला डिज़ाइन है, इसमें दूसरे फैब्रिक के साथ बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना है। इससे आगे वाला डिज़ाइन इसे देखिए, अंगरखा के स्टाइल में बना हुआ ये भी, और इसमें दूसरे फैब्रिक का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया, बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम पाइपिंग की बात करें, तो आपके सामने पाइपिंग वाले भी बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं, तो इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन है सारे के साथ, टसल का और पॉकेट्स का काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ चल रही है आजकल, तो आप इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखें, इन्हें यूज़ करें जहाँ पर भी आप ड्रेसेस बना रहे हैं, जहाँ पर यूज़ किया जा सकता है पॉकेट्स का वहाँ पॉकेट्स का करें, जहाँ पर टसल का यूज़ किया जा सकता है वहाँ टसल का करें। इसके अलावा आप स्लीव्स जो कि आजकल देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खुली खुली चल रही हैं और ये बड़ी अच्छी लग रही है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर हम कैपरी की बात करें, तो कैपरी के काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिनमें आपने पीछे भी कुछ डिज़ाइन देखे जिनमें प्लेट्स का यूज़ किया जा रहा है, टसल का यूज़ किया जा रहा है, तो आप वो भी फॉलो करें। पॉकेट्स आपने पीछे वाला एक डिज़ाइन देखा, पॉकेट्स के स्टाइल में बड़ा अच्छा लग रहा था वो भी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ओपन के स्टाइल में अगर आप ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं, तो पीछे वाला डिज़ाइन आपने इससे देखा, और पीछे भी आपने कुछ ऐसे डिज़ाइन देखे जो कि ओपन के स्टाइल में, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूवर्स, प्रिंट्स की अगर हम बात करें, तो प्रिंट्स बहुत खूबसूरत हैं इन तमाम ड्रेसेस के, क्योंकि ये डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, तो आपके सामने बड़े अच्छे प्रिंट्स के ड्रेसेज हैं, इन तमाम डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टसल का यूज़ इस डिज़ाइन में भी किया गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्लेट्स का यूज़ बड़ा अच्छा किया गया, दूसरे फैब्रिक साथ डिज़ाइनिंग की गई है, बटन वाली पट्टी का यूज़ किया गया है, तो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ों आप जरूर फॉलो करें, बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन आपका तैयार हो सकता है। अगर आपका ड्रेस जो है वो इतना महंगा नहीं भी है, थोड़ा सा आपकी जो प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं भी थी, लेकिन आपका ड्रेस जो है वो थोड़ा सिंपल है, तब भी आप थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लें अगर, तो बड़ा अच्छा सा ड्रेस आपका तैयार हो सकता है। तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करें कि आपका ड्रेस महंगा हो, इस चीज़ पर आप कॉन्सनट्रेट करें कि उसकी नफासत के साथ सिलाई हो, वो नफासत के साथ आपने कैरी किया हो, बिल्कुल आपके जिस्म के मुताबिक हो, तो आपका ड्रेस यकीनन आपके पहना हुआ बहुत अच्छा लग सकता है। यकीनन आपको ये तमाम डिज़ाइन अच्छे लग रहे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे और ये वीडियो पसंद आए और लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो फिर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमन करना है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी वीडियोज़ और भी देखना चाह रहे हैं, तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आपने लाजमन प्रेस करना है, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए और इस वीडियो को देखने का भी शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।